हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। क्लास 11, चैप्टर नंबर 2, कलेक्शन ऑफ डाटा। आज हम कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में कुछ आप लोग को स्टडी करवाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द सोर्स ऑफ डाटा एंड द मोड ऑफ डाटा कलेक्शन। द पर्पज ऑफ अ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू शो एविडेंस फॉर सर्चिंग अ साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन ऑफ टू ए प्रॉब्लम। कलेक्शन ऑफ डाटा में आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम है या को उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो पहले आपको उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, तब जाके वो प्रॉब्लम सॉल्व होती है। वैसे ही अगर आप, जब तक आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा नहीं रहेगा, वैसे आप इकोनॉमिक्स या स्टैटिक्स या इंडिया ग्रोथ कोई भी चीज़ों का आप मतलब सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपके पास सोर्स ऑफ डाटा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। द आउटपुट ऑफ ए फूड ग्रेन रोज टू 132 मिलियन टन्स इन 1978 एंड 79। जो फूड ग्रेन है वो आपका 1978 में और 79 मतलब 1 ईयर में 132 मिलियन था। फ्रॉम 108 मिलियन टन्स इन 1970 और 1971, बट फेल टू 108 मिलियन टन इन 1979 और 80। द प्रोडक्शन ऑफ ए गुड ग्रेन फूड ग्रेन देन रोज ए कंटिन्यूसली टू 252 मिलियन टन्स इन 2015-16 एंड टच 272 मिलियन टन्स इन 2016 एंड 72 17 सॉरी 17। इसमें आपको हर ईयर में दिखा रहा है कि फूड ग्रेन आपका कैसे इंक्रीज हो रहा है। मतलब आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा है जिसके जिसके द्वारा आप देख सकते हैं कि कब वो 1978 में 132 था, तो आपका 2015-16 में 2015-16 में आपका 252 था, और 2016 और 17 में 272 था। ये कलेक्शन ऑफ डाटा के थ्रू ही आपको पता चला कि हाँ, हमारा फूड ग्रेन जो है वो इंक्रीज कर रहा है। यही कलेक्शन ऑफ डाटा में बताया जाता है। इन दिस स्टेटमेंट यू कैन ऑब्जर्व दैट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन ए डिफरेंट ईयर डज नॉट रिमेन इन द सेम। आप देख रहे हैं कि जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन वो डिफरेंट ईयर में अलग अलग है, किसी ईयर में सेम नहीं है। आपका कुछ अप डाउन होता रहता है। इट वेरियस फ्रॉम ईयर टू ईयर, और ये ईयर टू ईयर के द्वारा ही आपका अप डाउन होता है। एंड फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप और क्रॉप टू क्रॉप, एज दिस वैल्यू वेरी दे आर कॉल्ड वेरिएबल। जो आपके ये वैल्यू वेरिएबल हो रहे हैं, अप एंड डाउन हो रहे हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, आपको हम ग्राफ के द्वारा आपको समझाया है कि 1917 में और 71 में 108 फुट ग्रेन था। फिर उसके बाद 1978 से 79 तक आपका 132 था। फिर 1990 से 91 तक 176 था। फिर आपका आ गया 1997-98 में आपका 194 आ गया। 2001 से लेकर 2002 तक 212 आ गया। 2015 से लेकर के 2016 तक आपका 252 आ गया, और 2016 से 17 में 272 आ गया। तो ये रेगुलर आपका फूड ग्रेन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा नहीं है, ये आपको समझाने के लिए दिखाया जा रहा है कि आपका इंक्रीज कभी हो सकता है, किसी साल में आपका फूड ग्रेन कम भी हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना। क्योंकि कभी कभी आपके इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, तो कभी कभी क्रॉप क्या होता है आपका, कभी कभी अधिक होता है, कभी कभी कम होता है। तो ये यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आपका फूड ग्रेन क्या कर रहा है, हर ईयर में इंक्रीज होते जा रहा है। किसी ईयर में भी आपका जो डाटा है वो सेम नहीं है। तो जब हम जो दिखाते हैं आपका ईयर टू वेरिएबल को, जो हम दिखाते हैं शो करते हैं एक्स एंड वाई मान करके, मतलब कोई भी आपको एक्स वाई जेड एनी हाउ एनी चीज़ आपको मान सकते हैं यहाँ पे, समझ में। फिर डाटा इज ए टूल्स विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। डाटा आपका टूल्स होता है जिसके द्वारा आप प्रॉब्लम को अपने
समझ सकते हैं कि अगर आपको गवर्नमेंट कैसे समझती है, इसी सब डाटा के थ्रू वो समझती है कि हाँ हमारा पैदावार इस साल अधिक हुआ है कि कम हुआ है। अगर अधिक हुआ है तो बहुत अच्छी बात, उसी पे वो कौन रेगुलर काम करते रहते हैं। अगर वो क्रॉप कम हुई है तो उसमें ज़्यादा उस पर वर्क करते हैं। तो ये डाटा ही आपका एक टूल होता है इकोनॉमिक्स के लिए। सेकेंड पॉइंट्स है आपका, व्हाट आर द सोर्स ऑफ डाटा। अब सोर्स ऑफ डाटा कौन कौन से हैं, देखिए स्टैटिक डाटा कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टू सोर्स। द रिसर्चर्स में कलेक्ट द डाटा बाय ए कंडक्टिंग एंड इंक्वायरिंग सच डाटा आर ए कलेक्टेड प्राइमरी डाटा। देखिए प्राइमरी डाटा आपका वही होता है कि जब हम डायरेक्ट जाके सर्च करते हैं, उसके बारे में इंक्वायरी करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, प्राइमरी डाटा। उसको एज दे आर ए बेस्ड ऑन ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, उसको हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मानते हैं, क्योंकि हम किसी के डोर पे गए, हम उससे सर्वे किए, उससे पूछे, तो ये प्राइमरी हमारा डाटा हुआ क्योंकि हम उससे फेस टू फेस कांटेक्ट करके उससे सर्वे किए हैं। आपको एग्जांपल के थ्रू हम समझा देते हैं। सपोज यू वांट टू नो अबाउट द पॉपुलरिटी ऑफ ए फिल्म स्टार एमंग द स्कूल स्टूडेंट्स। अब कोई फिल्म स्टार है, उसके उसकी पॉपुलरिटी को आपको जानना है, तो एक किसी स्कूल में गए स्टूडेंट से पूछने गए। फॉर दिस यू विल हैव टू इंक्वायरी फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ ए स्कूल स्टूडेंट बाय आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम देम टू कलेक्ट द डिजायर इंफॉर्मेशन। द डाटा यू गेट इन एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा। आप स्कूल में गए स्टूडेंट से पूछे कि आपको ये फिल्म स्टार कैसा लगता है, तो वो जहाँ वहाँ पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो आपके प्राइमरी डाटा हो गई। समझ में? फिर आपका है देन नेक्स्ट पेज, इफ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड ए प्रोसीड बाय सम अदर एजेंसी दे आर कॉल्ड ए सेकेंडरी डाटा। अब आप किसी दूसरे के थ्रू आप उस डाटा को कलेक्ट किए हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। जैसे आपने पता चला, एग्जाम्पल हम देंगे आगे हमने लिखा है, तो आपको वो सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। दे कैन बी ऑब्टेन आइदर फ्रॉम अ पब्लिश सोर्स सच एज अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर, बुक रिटेन बाय इकोनॉमिस्ट फॉर इकोनॉमिक्स्ट, और फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होता है, तो वो आपका सेकेंडरी डाटा में आता है। और जैसे बुक रिटेन होगा, बुक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी अपनी भी बुक पढ़ रहे हैं, तो वो आप सेकेंडरी सोर्स के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ये सब आपका सेकेंडरी डाटा में आता है। फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट भी हो गया, आप गूगल पे सर्च करते हैं, फ़ोन का यूज़ करते हैं, तो ये आपका सेकेंडरी डाटा में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। दस द डाटा आर ए दस द डाटा आर ए प्राइमरी टू द सोर्स दैट ए कलेक्ट एंड प्रोसेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सेकेंडरी फ्रॉम ऑल सोर्सेज दैट लेटर यूज सच एज डाटा। जो सबसे पहले आप सोर्स कलेक्ट करते हो वो आपका प्राइमरी डाटा होता है, और उसी सोर्स को आप यूज़ करते हैं तो वो आपका सेकेंडरी डाटा हो जाता है। यूज़ आवर सेकेंडरी डाटा सेव टाइम एंड कॉस्ट। देखिए अभी बहुत बड़ी बात कर रहा है, क्योंकि आपका सेकेंडरी डाटा में आपके पास कॉस्ट और क्या होता है, टाइम भी सेव हो जाता है, क्योंकि आपको कहीं से भी डाटा लिखा हुआ मिल जाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट मिल जाता है, इसलिए इसमें टाइम और आपका कॉस्ट दोनों की बचत होती है। आपका सेकेंड टॉपिक है, हाउ डू यू कलेक्ट द डाटा। डू यू नो हाउ अ मैन्युफैक्चर डिसाइडेड अबाउट ए प्रोडक्ट और हाउ ए पॉलिटिकल पार्टी डिसाइडेड अबाउट ए कैंडिडेट। देखिए इसमें दो चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं यानी बना रहे हैं, तो उसके बारे में, और एक पॉलिटिकल कोई पार्टी है, उसके बारे में हमको डिसाइड करना है कैसे, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। दे प्रोडक्ट अ सर्वे बाय आस्किंग क्वेश्चन अबाउट अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट और कैंडिडेट फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखिए कोई प्रोडक्ट है, अब उसके बारे में आप सर्वे करने जाएंगे मार्केट में, और एक पॉलिटिकल पार्टी है, उससे कोई लार्ज ग्रुप मतलब कहीं आप सोसाइटी में चले गए उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में पूछने के लिए। द पर्पज ऑफ ए सर्वे इज टू बी डिस्क्राइब सम कैरेक्टरिस्टिक लाइक प्राइस, क्वालिटी, यूजफुलनेस।
इन केस ऑफ प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट के बारे में सर्वे करने गए हैं तो प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में पूछेंगे, क्वालिटी के बारे में पूछेंगे, यूजफुलनेस, मतलब उसके आपको जैसे कस्टमर को हर एक चीज़ के बारे में पूछना पड़ता है कि आपको प्रोडक्ट का प्राइस कैसा लग रहा है, आपको मतलब प्राइस कैसी है, मतलब सही है, आपके इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग वो प्राइस सेट कर रही है कि नहीं, अगर क्वालिटी है तो क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी आपको अच्छी लग रही है, मतलब उसके सारे फीचर के बारे में आप उस प्रोडक्ट के बारे में आप पब्लिक से पूछें, कस्टमर से पूछेंगे। अब वही आपका कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो उसकी पॉपुलैरिटी के बारे में पूछेंगे, ऑनेस्टी के बारे में, रॉयल्टी के बारे में कि हाँ वो काम करा रहा है कि नहीं करा रहा है, जिस वजह से हम उसको चुने हैं, कैंडिडेट को चूज किए हैं, तो वो वर्क करा रहा है कि नहीं करा रहा है, ये दोनों के बारे में हम सर्वे करते हैं। द पर्पज ऑफ द सर्विस इज टू द कलेक्ट डाटा, और हमारा पर्पज यही रहता है कि हम उसके इंफॉर्मेशन, इसीलिए हम कलेक्ट करते हैं कि वो कैसा है, उसके उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना रहता है, हमको डाटा कलेक्ट करना रहता है। सर्वे इज द मेथड ऑफ ए गैदरिंग इंफॉर्मेशन एंड इंडिविजुअली, यही कि हमको उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और उसके बारे में हमको सही या गलत कोई भी डाटा को कलेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट आपके पॉइंट में हम बताएंगे आपको रहेगा प्रिपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हैव नाइस डे।